सबका साथ तो मिला पर सबका विकास नहीं हुआ। मोदी जी ने 2014 छोड़िए 2013 से बल्कि 12 से एक शुरुआत की गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल की, बड़े बड़े पूंजीपतियों को अपने साथ लेके और मीडिया को पूरा इस्तेमाल करते हुए उन्होंने गुजरात मॉडल को इस हद तक भेज दिया कि बीजेपी मजबूर हो गई उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाने के लिए, और उसके बाद इस हद तक बेचा कि बीजेपी मजबूर हो गई उनको प्रधानमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर करने के लिए। लेकिन मैं आज पूछना चाहता हूँ, आज गुजरात मॉडल कहाँ है? आज तो कहीं गुजरात मॉडल का जिक्र भी नहीं है। दूसरा, चुनाव से पहले वो कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हो गया भ्रष्टाचार अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आने वाले हैं, 15 लाख रुपये सबके अकाउंट में आएंगे, काला धन वापस आएगा। आज ये सारे मुद्दे गौण क्यों हैं? भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी आज इन मुद्दों पे बोलते क्यों नहीं है? जनता सवाल करते तो उसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? मन की बात करते हैं लेकिन जब ये सवाल आते हैं तो इन सवाल पे चुप्पी क्यों साध लेते हैं? लोगों की हत्याएं होती हैं, रेप होते हैं, जनता उन मुद्दों को लेकर लड़ रही है, जनता मांग करती है कि मोदी जी बहुत बोलते हैं लेकिन इन मुद्दों पर चुप क्यों? लेकिन ऐसे मुद्दे पर मोदी जी खामोश हो जाते हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि मोदी जी कुछ करने वाले नहीं हैं, सिर्फ जुमले की राजनीति करते हैं, केवल बोलते हैं, उनकी बस की कुछ करना नहीं है। और सच्चाई तो ये है कि उनकी राजनीति चलती इस तरीके से है। अगर कोई मीडिया सच को सामने लाना चाहता है या कोई भी सच बोलना चाहता है, उनके घरों पे छापे डलवा देंगे, ईडी का छापा, इनकम टैक्स का छापा, पता नहीं किस किस के छापे, हमारे तमाम एमएलए पे मुकदमे बनवा गिरे। क्या हुआ रिजल्ट? सारे मुकदमे खत्म होते जा रहे हैं। कितने छापे हमारे सब लोगों के यहाँ लगवाए, क्या रिजल्ट है? तो इसका जवाब देना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। आपको प्रोफेशनल पॉलिटिक्स करनी चाहिए, आपको इसको ना जाति दुश्मन ही नहीं बनानी चाहिए कि किसी के घर पर भी किसी घर दबाव डालने के लिए आप छापे डलवा रहे हैं। भाई जिसने गलत किया छापे डलवाओ, जिसने गलत किया उस पर मुकदमा दर्ज करके आप उसको अंदर डालो, आप फास्ट ट्रैक कोर्ट में करके उसको जल्दी जल्दी सजा दो, जितनी जल्दी हो सके राजनीति को साफ करने का साफ करो। लेकिन पॉलिटिकली मोटिवेटेड होके एक षड्यंत्र के तहत राजनीतिक देश भावना से छापे डलवा के या लोगों को प्रेशराइज करके टॉर्चर करके जो राजनीति आप कर रहे हैं जनता सब देख रही है और हम इसको नकारते हैं, और आप जल्दी से इसको छुटकारा पा जाए तो बेहतर है, वरना बहुत जल्दी देश की जनता आपको आपके घर बिठा देगी। मेरा अपना ही मानना है शिक्षा व स्वास्थ्य ये पूरी तरीके से सरकार का दायित्व, सरकार की जिम्मेदारी है। शिक्षा और स्वास्थ्य को पूरी तरीके से सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए। पब्लिक स्कूल, प्राइवेट कॉलेज पे टोटल बैन लगा के इसको सरकार को अपने अधीन ले लेना चाहिए। और बिना शिक्षा के और अच्छे स्वास्थ्य के किसी भी देश की तरक्की संभव नहीं है। और प्राइवेटाइजेशन जो हुआ है उसके एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। अगर कोई चीज़ प्राइवेट हाथों में तरक्की करती है तो सरकारी हाथों में तरक्की क्यों नहीं करती? इसका मतलब कुछ ऑफिसर्स या कुछ नेता जानबूझ के अंदर ही अंदर संस्थान को खाते हैं। अगर सरकारें उस पर बारीकी से ध्यान रखें, उसका दुरुपयोग ना होने दें और क्वालिटेटिव सर्विसेज दें, अच्छे ऑफिसर्स लगाएं, तो मैं समझता हूँ किसी भी सरकारी निगम को, सरकारी इंस्टीट्यूट को किसी को प्राइवेटाइज करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार सक्षम है, सरकार से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता। आज जियो का नेटवर्क बाकी सब नेटवर्क को फेल कर रहा है, MTNL को आपने भट्टे में बिठा दिया, BSNL को आपने भट्टे से बिठा दिया। भाई सरकार से ज़्यादा ताकतवर प्राइवेट लोग कब से हो गए? सरकार से पैसा उधार लेते हैं, लाखों करोड़ रुपए सरकार से लेके, और फिर वो इतने ताकतवर बन जाते हैं कि सरकार के संस्थानों को फेल कर देते हैं, और वहाँ वो खरीदते ही वो सारे के सारे सरकारी संस्थान प्राइवेटाइज होने के बाद वो फायदे में कैसे चले जाते हैं? इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकारी संस्थानों को प्राइवेटाइज करने से कुछ हल होने वाला नहीं है। आप सरकारी सिस्टम को सुधार कीजिए, आप करप्शन को ख़त्म कीजिए, जो करप्शन अंदर ही अंदर देश को खा रहा है, देश को खोखला कर रहा है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। रैनपाल जी एक बात बताइए, अभी दशहरे को कुछ दिन बीते हैं और उस पर शस्त्र पूजा होती है RSS की, और अभी दो दिन पहले आज ही की बात है शायद डिप्टी CM मनीष सिसोदिया जी के प्रोग्राम के अंदर फायरिंग हो गई थी, तो कहाँ तक देश का नागरिक सेफ है RSS की, कहाँ पूजा को बढ़िया बताते हैं, क्या है जरा उसके बारे में थोड़ा बताएं। नहीं, मुझे लगता है शस्त्र
हमेशा नुकसान करेगा। शस्त्र पूजा, शस्त्र हमेशा किसी न किसी को मारेगा जी। शस्त्र पूजा या शस्त्र, मैं इन चीज़ों में भरोसा नहीं करता। मुझे लगता है कि पूरे दुनिया को बुद्ध के रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। बुद्ध ने पूरे दुनिया को शांति का, अहिंसा का मार्ग दिखाया, अष्टांगिक मार्ग दिखाया। अगर पूरे दुनिया शस्त्रों की होड़ बंद करके जितना बड़ी मात्रा में फंड को शस्त्र खरीदने पे या उच्च प्रणाली के शस्त्र विकसित करने पे खर्च करती है, अगर पूरी दुनिया उस पैसे को अच्छे हॉस्पिटल बनाने पे, अच्छे कॉलेज बनाने पे, अच्छे स्कूल बनाने पे, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं पैदा करने पे, रोजगार के नए नए अवसर पैदा करने पे खर्च करे, तो मैं समझता हूँ पूरे देश के अंदर खुशहाली होगी, पूरे देश के अंदर तरक्की होगी, हमारी किसानी अच्छी हो, हमारी किसानों की हालत अच्छी हो, उपज अच्छी हो, उस पैसे को उधर हम लोग लगाएं और किसानों को आत्महत्या ना करनी पड़े, लोन लेके भी बेचारे चुका नहीं पाते। तो मुझे लगता है ये अस्त्र की होड़ पूरे दुनिया को रोकनी चाहिए। इस पे हजारों करोड़ अरबों रुपया, पूरे दुनिया का अरबों खरबों रुपया शस्त्रों के ऊपर खर्च हो रहा है, शस्त्र की होड़ पे खर्च हो रहा है। उसे वहाँ लगाने की बजाय इंसान की तरक्की के लिए, इंसान मानव का मानव में भाईचारा बने, प्यार बने, उसके लिए माहौल पैदा करने की ज़रूरत है। और शस्त्रों से कुछ हल होने वाला नहीं। भाषा क्या सिखाती है? देखिए, शस्त्र तो सुन के ही लगता है कि कहीं ना कहीं किसी की हत्या के लिए इस्तेमाल होगा। जब भी शस्त्र का इस्तेमाल होगा, किसी न किसी का खून बहेगा, चाहे अपने का बहे चाहे पराए का बहे। और हम किसी भी प्रकार की हिंसा के खिलाफ हैं।